अक्षरा ने वो किया है जिसकी उम्मीद भोजपुरी एक्ट्रेसेस से की नहीं जाती है। भोजपुरी एक्ट्रेसेस, उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो उनके लिए इतना ही कहा जाना चाहिए, हीरो के इर्द गिर्द घूमती हैं, या फिर विलन के द्वारा सताई जाती हैं, या फिर अबला नारी की तरह अपने आप को भोजपुरी रुपहले पर्दे पर प्रिटेंड करती है। लेकिन क्या आपने कभी भोजपुरी हीरोइनों इस तरह देखा है जिस तरह अक्षरा सिंह अपने आप को प्रेजेंट कर रही है? जी हाँ, गाने पे गाने आ रहे हैं उनके और वो ज़बरदस्त हिट भी हो रहे हैं। अब अक्षरा ने जो नया कारनामा किया है वो ये किया है कि पूरे इंडिया में टॉप म्यूजिक जो गाने सुने जाते हैं पूरे इंडिया में, उसमें अक्षरा का तीसरा स्थान है। और अब आप ये कहेंगे कि हमें ये लिस्ट कहाँ से मिली? जी हाँ, हमें ये लिस्ट कहीं से और से नहीं, यूट्यूब के जो लिस्ट होती है म्यूज़िक की, वहीं से मिली है। हम आपको दिखा दें, यहाँ अक्षरा तीसरे नंबर पर हैं, तो कभी उनके खास रहे खेसारी लाल यादव सातवें नंबर पर हैं, मौगी खेले पबजी के लिए। जी हाँ, उनका मौगी खेले पबजी गाना सातवें नंबर पर है। तो अक्षरा सिंह का गाना इधर आने का नहीं, जो भाई सभी के जुबान पे चढ़ा हुआ है, वो तीसरे स्थान पर है। यानी लोगों ने अक्षरा सिंह को इतना प्यार दिया है। अक्षरा के लिए यहाँ एक बात कहनी बनती है कि अगर आप वक्त के थपेड़ों को सह जाएंगे तो एक न एक दिन आप निखर कर जरूर आएंगे। वैसे अक्षरा ने ये पहली बार ऐसा कारनामा नहीं किया है। अक्षरा भोजपुरी की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो गाना गाती हैं, स्टेज शो करती हैं, और वो भी डंके की चोट पर। वैसे पवन सिंह के ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह ने अपने आप को जिस तरह निखारा है, हर एक इंडियन लड़की को, हर एक भारतीय लड़की को उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि अक्षरा जिस तरह जिस परिस्थितियों से जूझ कर बाहर आई हैं, उस परिस्थितियों से जूझ कर आ पाना मुश्किल ही होता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।